उत्तराखंड की रुड़की पुलिस ने नारसन बॉर्डर पर चारधाम यात्रा में गाड़ियों का फर्जी फिटनेस कार्ड बनाने वाले गिरोह के दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे प्रिंटर आदि बरामद किए गए हैं। हरियाणा के यमुनानगर के सब इंस्पेक्टर बलदेव सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हमें सूचना मिली कि मामूली बात पर बड़े भाई ने छोटी भाई की हत्या कर दी है। ईडी ने पोर्नोग्राफी मामले में व्यवसायी राज कुंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। बता दें कि मुंबई पुलिस ने भी उनके खिलाफ 2021 में मामला दर्ज किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके उन्होंने कहा कि योग देश की प्रमुख विरासतों में से एक है। देश की जनता को फिर महंगाई का झटका लगा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में फिर बढ़ोतरी हुई है। वहीं राजधानी दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर अब 1000 रुपए तक पहुंच गया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2364 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 10 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने फिल्म धाकड़ की टीम और कलाकारों के साथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। आईजीपी कश्मीर ने जानकारी देते हुए बताया कि बारामूला पुलिस ने हाल ही में एक शराब की दुकान पर हुए आतंकी हमले के मामले का खुलासा किया है। इस मामले में 4 आतंकवादी और लश्कर का एक सहयोगी गिरफ्तार हुआ है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में पति ने फोन पर पत्नी को 3 तलाक दे दिया। इस मौके पर कुनकुरी की एसएचओ ने बताया कि पीड़िता ने थाना कुनकुरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बच्चा ना होने से उसके ससुर एवं पति द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। आजादी के बाद से सबसे भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका को विश्व बैंक से 16 करोड़ डॉलर की सहायता मिली है।